सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने कहा था सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा स्टेप क्या है, पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन, और तीसरा क्या है, क्रेब्स साइकिल, और फोर्थ स्टेप पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज हम ये तीन स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या हुआ है जी, ग्लाइकोलाइसिस हुई है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है पाइरूवेट में। अब फर्दर एरोबिक ब्रेकडाउन अगर होनी है, एरोबिक ब्रेकडाउन किस कंडीशन में होगी, अगर सेल कौन सा है, फैकल्टेटिव या एरोबिक सेल है, और ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन अगर होगी तो क्या ये पाइरूवेट माइटोकांड्रिया में एंटर हो सकता है या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है, पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन, और हमने ये देखना है कि ये स्टेप कहाँ पे होगा। अगर आप अपनी बुक को फॉलो करोगे तो उसमें ये लिखा होगा कि पाइरूवेट कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में, और एसिटिक एसिड माइटोकांड्रिया में क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। हालांकि जो हकीकत है ना वो ये कि ये पाइरूवेट एंटर हो जाता है किसमें, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में पहुँच जाता है, क्योंकि ये जो माइटोकांड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये तकरीबन फ्री परमीएबल होती है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, और जो इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं ये असल में लिपोप्रोटीन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, 70% प्रोटीन्स होती हैं, तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए। तो पाइरूवेट यहाँ से भी गुजर जाता है और माइटोकांड्रिया मैट्रिक्स में चला जाता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स पे होगा। तो पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लेकिन हम इसको सिंगल स्टेप में देखेंगे कि किस तरह ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। तो सबसे पहले ये हमारे पास है पाइरूवेट का मॉलिक्यूल है, पाइरूवेट का एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे एक कोएंजाइम हमें चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए कोएंजाइम, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, और इसी तरह हमें चाहिए कोएंजाइम SH मीन सल्फर, H मीन हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या रिलीज होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, तो ये क्या बन जाएगा CH3C(OH), और इसी तरह सी है, और इसके बाद क्या है जी, यहाँ पे एस, और कोएंजाइम है कोएंजाइम ए। ये हमारे पास क्या रह गया जी, तीन कार्बन है ना, एक दो और तीन। एक कार्बन किस फॉर्म में चला गया, कार्बन डाई ऑक्साइड की फॉर्म में चला गया, तो हमारे पास दो कार्बन रह गए CH3C(OH), और साथ इसके सल्फर अटैच और आगे को एंजाइम ए। तो इस दौरान क्या हुआ कि हाइड्रोजन किसकी तरफ चली गई थी, दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन किसको मिल गया, NADH। अगर आप देखें ना को एंजाइम ए SH, यहाँ भी हाइड्रोजन थी, वो हाइड्रोजन ये NADH के पास चली गई, और इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, ये जो पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है, क्योंकि एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से दो पाइरूवेट बनते हैं, कितने पाइरूवेट, दो पाइरूवेट है, इसलिए हमें 2 NAD+ चाहिए और 2 NADH बनेंगे। इसी तरह हमें यहाँ भी ये 2 चाहिए और ये भी 2 बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, एक पाइरूवेट से दूसरा, दूसरे पाइरूवेट से। तो पाइरूवेट की यहाँ पे एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड है हमें, पाइरूवेट आपकी बुक में लिखा हुआ है पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम।
अच्छा इसको आप कह सकते हो कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। क्या हुआ है? ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुई है पाइरूवेट की और साथ साथ क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई। अब ये हमारे पास असल में टू कार्बन मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में एंटर होगा? क्रेब्स साइकिल। अब नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल। यहाँ से आपने ये याद रखना है कि 2 NADH हमारे पास और आ गए, तो ग्लाइकोलाइसिस से कितने NADH हमारे पास आए थे? 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस के और 2 NADH ये, और ये दोनों NADH कहाँ पे मौजूद है जी? ये जो पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन वाले हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद है। अच्छा जी, अब हम क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करते हैं। आपने सुना है क्रेब्स साइकिल के फर्दर कौन कौन से नेम है? और क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल? इसका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का, दैट इज सिट्रेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। अच्छा इसका एक और नाम है, कौन बताएगा? TCA, ट्राई कार्बोक्सालिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सालिक एसिड साइकिल, TCA। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये जो क्रेब्स साइकिल है इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें कितने कार्बन है जी? 2 कार्बन है। और यहाँ पे जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल यूज होता है वो कौन सा है? ऑक्सालो एसीटेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें 4 कार्बन है, जब ये दोनों मिलेंगे तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा। इसका नाम क्या होगा? सिट्रेट। 6 कार्बन एक मॉलिक्यूल बन गया सिट्रेट। अच्छा इसको नाम क्या रिलीज हो जाएगा? कोएंजाइम ए एस एच। एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा? नहीं, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल था, ऑक्सालो एसीटेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास सिट्रेट क्या बना? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसके बाद यहाँ पे एरो लगा के फिर उसने दूसरा एरो लगाया है, यहाँ पे एकोनाइटेज है। इसको लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस इंटरमीडिएट को आपने ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो सिट्रेट के बाद 2 एरो लगा के फिर आप किस पे चले जाएंगे? आइसोसिट्रेट में भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन। अच्छा जी इसके बाद आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन। अब कार्बन इसका मतलब है कार्बन रिलीज हो गया किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो डी कार्बोक्सिलेशन। ये कौन सा स्टेप है? डी कार्बोक्सिलेशन। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा? NAD+ से क्या होगा? NADH1 गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है ऑक्सीडेशन भी हुई। किसकी ऑक्सीडेशन हुई? आइसोसिट्रेट की। रिडक्शन किस पे किसकी हुई? NAD की। ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई, डीकार्बोक्सीलेशन भी हुई। लिहाजा इधर लिखते क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन। क्योंकि आइसोसिट्रेट को सिर्फ हम फॉलो करें तो अब इसकी ऑक्सीडेशन ही हुई है ना, तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन। तो क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप जिसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है वो कौन सा है? जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रेब्स साइकिल, सॉरी इन क्रेब्स साइकिल वेयर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस। अच्छा 2 कार्बन टोटल हमने साइकिल में यूज किए थे, यहाँ से 2 कार्बन मॉलिक्यूल था ना एसिटाइल कोएंजाइम में, तो 1 कार्बन यहीं से निकल गया। अब उसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट से क्या होगा? 1 कार्बन डाइऑक्साइड और निकल जाएगा, इसकी क्या होगी? डी कार्बोक्सीलेशन। और इसके साथ साथ क्या होगा? NAD+
प्लस है एन ए डी एच बनेगा, और इसके साथ यहाँ पे कुछ फ्री एनर्जी रिलीज होगी, वो जो यहाँ पे फ्री एनर्जी होगी उससे क्या होगा जी डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उससे क्या बन जाएगा जी टी टी गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और इधर है ए डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पे क्या होगा जी, ये किस में कन्वर्ट होगा ए टी पी में, ये जो जी टी पी है जब ये ब्रेक होगा ना दोबारा तो ये क्या बना देगा एक ए टी पी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्रेब्स साइकिल के दौरान ए टी पी कहाँ से बनते हैं, तो आप कहेंगे जब अल्फा कीटो प्रोटीन कन्वर्ट होता है ससिनेट में, किस में ससिनेट में कन्वर्ट होता है। ससिनेट कितने कार्बन वाला मालिक्यूल है, 4 कार्बन वाला मालिक्यूल। उस वक्त क्या होता है जीडीपी से जीटीपी बनता है, और जब जीटीपी ब्रेक होता है तो एडीपी से एटीपी बन जाता है, तो लिहाजा यहाँ पे एक एटीपी बनता है। आपको याद है ना ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी किस किस स्टेप पे बनता था, जब 1-3 बेस फॉस्फोग्लिसराइड से क्या होता था 3 फॉस्फोग्लिसराइड बनता था, और फिर इसी तरह फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से जब पाइरूवेट बनता था वहाँ पर क्या होता था एक एटीपी बनता था दोनों स्टेप में, और यहाँ भी क्या होगा एक एटीपी बनेगा। अब इसके बाद ये जो ससिनेट है, ससिनेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये किस में कन्वर्ट होगा फीमरेट में, और ये जो फीमरेट है इसमें कितने 4 कार्बन, और इसके बाद इसमें क्या होगा यहाँ भी ससिनेट की ऑक्सीडेशन हुई है तो एफ ए डी यहाँ से क्या ले लेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बन जाएगा एफ ए डी एच। एफ ए डी किस में कन्वर्ट हो जाएगा एफ ए डी एच टू लिखने बेशक एफ ए डी एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई लेकिन डी कार्बोक्सीडेशन नहीं हुई, और यहाँ पे कोएंजाइम भी डिफरेंट है, यहाँ पे कोएंजाइम क्या है एफ ए डी है। अच्छा उसके बाद फीमरेट से क्या बनेगा मेलेट बनेगा, और यहाँ पे क्या है इसमें कन्वर्ट हो गया मेलेट में, और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया यूज हो गया। अब ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, अब ये किस में कन्वर्ट होगा ऑक्सालो एसीटेट में, तो यहाँ पे क्या होगा एनएडी से एनएडीएच बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ मेलेट की ऑक्सीडेशन हुई कि नहीं हुई, हुई है ना मेलेट की ऑक्सीडेशन लेकिन डी कार्बोक्सीलेशन नहीं हुई। तो अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स के बारे से कि ये जो पूरा क्रेब साइकिल है, सपोज हम ये कहते हैं कि ये 1 टाइम जब चलेगा, अच्छा जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की हम बात करते हैं, वैसे हमारे पास 2 एसिटाइल ए है ना एसिटाइल कोएंजाइम ए, किससे अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम ब्रेक कर रहे थे तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए थे, तो 2 में से अभी हम एक को फॉलो करेंगे तो हमारे पास कितने एनएडीएच बने, एनएडीएच कितने बने एक साइकिल में एक क्रेब साइकिल में 3 बने, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। इसी तरह हमारे पास एफ ए डी एच कितने बने जी 1 बनाए, मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 2 से कर लेंगे। हमारे पास ए टी पी कितने बने 1 मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, तो हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए अगर क्रेब्स साइकिल चलेगा तो हमारे पास 6 क्या आ जाएंगे एनएडीएच, और 2 हमारे पास एफएडीएच 2 आ जाएंगे, और 2 हमारे पास एटीपी आ जाएंगे। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, और कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे, 2 रिलीज होंगे 4 रिलीज होंगे, 4 क्यों रिलीज होंगे 2 एक से 2 दूसरे से। अब वहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन हो इस तरह का तो आपने ये ख्याल जरूर रखना है कि ये एक क्रेब्स साइकिल का पूछ रहा है या 2 का, जब भी ये कहा हो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली ब्रेक करने के लिए तो डेफिनेटली 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो अगर एक पाइरूवेट को ब्रेक करने के लिए या हाफ ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली ब्रेक करने के लिए क्या होगा 1 ये चलेगा क्रेब्स साइकिल। अच्छा वो जो 6 कार्बन थे ग्लूकोज के, अब जरा गौर से सुनना ग्लूकोज में कितने कार्बन थे 6 कार्बन थे, तो कहाँ कहाँ रिलीज हुए 6 कार्बन कैसे अलग हुए
पाइरूवेट एसिड ऑक्सीडेशन में दो पाइरूवेट थे तो दो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में दो कार्बन निकल गए, तो फिर इसी तरह एक आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटामेट बना तो दो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया अगर दो क्रेब्स साइकिल को ले, और इसी तरह जब अल्फा कीटोग्लूटामेट से सस्टेनेट बना तो दो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया। तो इस तरह सिक्स के सिक्स कार्बन निकल गए, जबकि हाइड्रोजन किस में चले गए, एन ए डी एच की फॉर्म में चले गए, वही ग्लूकोज के हाइड्रोजन आप समझे एन ए डी एच की फॉर्म में चले गए, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो गए। तो वो जो वाटर बनता है रिस्पायरेशन में उसको हम आगे पढ़ेंगे कि वाटर कैसे बनता है। बस